क्या आपके पास लगातार पैसों की आवक नहीं है? कभी तो आप राजा बनकर के घूमा करते हैं, थोड़े ही दिनों बाद आपकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है और आप ये बात किसी को बता भी नहीं सकते। और आप तो जानते हैं कि लगातार धन की आवक नहीं रहने के कारण जिंदगी में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज हम अपने इस वीडियो में यही बताएंगे कि लगातार आवक रहने के लिए अपनी जन्म कुंडली के किन ग्रहों को अपने अनुकूल करना पड़ता है और उसके क्या उपाय करने चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। जीवन जीने के लिए संसार में लगातार धन का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संसार में किसी भी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है। सांसारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपको घर बनाना हो, गाड़ी लेना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों का शादी ब्याह करना हो, या अपनी खुद की आवश्यकताएं या माता पिता की सेवा करनी हो, हर जगह पैसे की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि आपको धार्मिक कार्य करने के लिए सिर्फ विचार करने से धार्मिक कार्य नहीं हो जाते, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है और पैसे नहीं रहने पर धार्मिक कार्य नहीं हो सकते। ऐसे में लगातार धन के आवक का बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो लगातार धन का आवक बने रहने के लिए ज्योतिष में जन्म कुंडली के अनुसार कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ योग ऐसे हैं जो आपकी जन्म कुंडली में ये बताए जा सकते हैं कि लगातार जिंदगी में धन आने के लिए किस ग्रह की मदद ली जा सकती है, या कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करता है, कौन सा ग्रह प्रबल है जिसको हम खुश करके, जिसकी पूजा करके हम लगातार धन की आवक बना सकते हैं। जो कारक ग्रह होते हैं, अब आप समझिए कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक है, वह जन्म कुंडली का कारक ग्रह अकारक ग्रह के साथ बैठ गया है, दुष्ट ग्रह के साथ बैठ गया है, पाप ग्रह के साथ बैठ गया है, नीच ग्रह के साथ बैठ गया है, तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता आपकी जिंदगी में। तो उसी लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। विश्लेषण करवाने के बाद कारक ग्रह को अकारक ग्रह से अलग करके, उस ग्रह की पूजा करवा करके, उस ग्रह की विधि बता करके, उसका रुद्राक्ष पहना के, रत्न पहना के, उस ग्रह को आपके अनुकूल बनाया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में लगातार धन की आवक बनी रहे। तो अब कारक ग्रहों में तीन घर होते हैं जन्म कुंडली के जो आपको धन देते हैं। तो धन कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला 11वां घर होता है जो इनकम का घर होता है, दूसरा होता है दूसरा घर, जन्म कुंडली का दूसरा घर जो बैंक बैलेंस का घर होता है, जो आपके पास पैसा डिपॉजिट करवाता है, और एक होता है 5वां घर जो इजी मनी का घर होता है कि कम मेहनत से ज़्यादा पैसे मिलना। एक तो इनकम का घर, 11वां घर, तो इनकम के घर का मालिक, 11वें घर का मालिक कहाँ बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया, समझिए 5वें घर में, तो इजी मनी आपको बड़ी आसानी से मिलती रहेगी। दूसरे घर में बैठा है, इनकम के घर का कारक अगर दूसरे घर में बैठ गया है, तब भी आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरे घर का मालिक अगर 11वें घर में बैठ गया, तो आपको इनकम का जरिया वो बताएगा कि कहाँ से इनकम करें। 11वें घर का मालिक अगर 10वें घर में बैठ गया, तो कर्म से पैसा आएगा, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, उससे पैसा आएगा, लेकिन कौन सी नौकरी, कौन सा व्यापार, वो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। और 10वें स्थान का स्वामी अगर भाग्य में बैठ गया, तो पिता से पैसे मिलते हैं, वो भी एक भाग्य ही है। 11वें घर का स्वामी अगर भाग्य में बैठ गया, तो भी भाग्य से इनकम होती है, तो कम मेहनत से ही आपको पैसा मिलते रहता है, आप ये ध्यान रखिए। तो इन ग्रहों के समूचे भाव को देखने के लिए, ग्रहों के पूरे प्रभाव को देखने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। अब यहीं पे अच्छे ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे, लेकिन वहीं पे इन ग्रहों के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे अच्छा ग्रह है आपका, उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया, जैसे चंद्रमा बहुत ही कारक ग्रह है आपका, दूसरे घर में बैठा है उच्च का, वृषभ राशि का, अब उसी के साथ जाकर के शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, वह कारक ग्रह होते हुए भी आपको बैंक बैलेंस के लिए पैसा नहीं देगा, बल्कि खाता हमेशा खाली करवाता रहेगा। 5वें घर में अगर कोई कारक ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है अपनी राशि का, गुरु अब उस भाव में पैसा नहीं देगा, लेकिन गुरु की दृष्टि अगर 5वें घर पे पड़ रही, लग्न में गुरु बैठा है, तो कहते हैं गुरु अमृत वर्षा करता है,
तो गुरु की महादशा में या किसी भी ग्रह की दशा चल रही है उसमें गुरु की अंतर दशा जब आएगी तो गुरु पांचवें घर पर अमृत वर्षा करता है, जो कहते हैं अचानक धन लाभ होता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये हमने सोचा भी नहीं था और ऐसा लाभ कैसे हो रहा है। गुरु की पांचवें घर पर दृष्टि पड़ती है तो अचानक धन लाभ, गुरु की ग्यारहवें घर पर दृष्टि पड़ेगी, पांचवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि या नौवीं दृष्टि, तो आपके इनकम का रास्ता बनाएगा। वहीं दूसरे घर पर दृष्टि बढ़ती है तो बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य जा रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कारक हो तो उन्हीं कारक ग्रहों के साथ अकारक ग्रह बैठ गए जन्म कुंडली में, आपके पाप ग्रह बैठ गए, दूषित ग्रह बैठ गए, तो आपकी जन्म कुंडली में जो अच्छे भाव होंगे वो खराब हो जाएंगे और आपकी जो लगातार इनकम की बात आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हमारे कर्मों से या हमारे काम से या हमारे व्यापार से लगातार धन की आवक बनी रहे, लगातार धन की आवक बनी नहीं रहेगी। कभी तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और कभी आप हजार में ही आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी। कभी कभी आपको ऐसी स्थिति आएगी कि आपका नुकसान होता जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण अत्यधिक जरूरी है ताकि आपका जो समय बीत रहा है ये सोचते हुए कि क्यों कभी लाखों रुपया मैं कमाता हूँ और कभी मैं गरीबों की तरह से घर चलाता, एक रुपए की इनकम नहीं, ऐसा लगता है कि मेरी दुकान पे कोई धंधा ही नहीं हुआ, हमने जो सेल्समैनशिप की उसमें कोई कमीशन ही नहीं मिला, हमने जो नए कारोबार किए उसमें कोई हमें लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ। तो ये ग्रहों के कारण होते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। जन्म कुंडली का सही विश्लेषण करवा करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, अपने लगातार धन की आवक को अपनी तरफ कर सकते हैं जो आपको जीवन में सुख प्रदान करे। यदि आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो मैं ये तीन उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आप उपाय करके कुछ समय के लिए आर्थिक उन्नति अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये उपाय मैं बता रहा हूँ वो कॉमन उपाय है। कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किस तरह का साथ दे रहा है, किस भाव में बैठा हुआ है, कहाँ पर उसकी दृष्टि है, या अच्छा ग्रह है तो उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, इसका विश्लेषण जब तक कुंडली देखा नहीं जाएगा तब तक किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको तीन उपाय बता रहा हूँ, उसे आप करने से आपको थोड़ा फायदा जरूर होगा और आप इसे करें। जिसमें पहला उपाय है, सात मिट्टी के कलश लीजिए, छोटे छोटे मटके के आकार का छोटा, और सात अलग अलग अनाज लेना है, उस सातों अनाज को उतना अनाज लेना है जो सातों कलश में पूरा हो जाए, तो सब कलश में अनाज भरना है और उसे सात प्रकार के अलग अलग पेड़ों के नीचे रखना है, और सात अलग अलग पेड़ आपके पास न हो, अगर आपके नज़दीक न हो, तो सात अलग अलग मंदिर के द्वार पर रखना है। इस तरह से रख करके आप अपनी परेशानियों के लिए, अपने मनोकामनाओं के लिए जिस वृक्ष के नीचे रखेंगे वहाँ प्रार्थना करें, या जिस मंदिर के द्वार पर रखेंगे वहाँ प्रार्थना करें। इस प्रकार से ये पहला उपाय सात शनिवार आपको करना होगा। दूसरा उपाय है, सात बुधवार करना है, भगवान गणेश जी के गले में दुर्वा की माला, 21 दुर्वा की माला बना करके भगवान गणेश जी के गले में पहनाना है या उनके चरणों के पास रखना है और वहां बैठ करके अथर्व शीर्ष का पाठ करना है गणेश जी के मंदिर में। ये आपको सात बुधवार करना पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं बता रहा हूं आपको, स्फटिक का श्रीयंत्र लेना है। उस श्रीयंत्र को लेकर के आप घर पर जब आएंगे तो किसी थाली में, तांबे की थाली हो, चांदे की थाली हो, स्टील की थाली हो, उसमें लेकर के पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में एक तांबे की कटोरी, स्टील की कटोरी या चांदी की कटोरी लेकर के उसमें चावल पीला करके भर दें और उसी पर श्रीयंत्र को स्थापित करें। फिर उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, केसर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में कमल गट्टे की माला या क्रिस्टल की माला से, स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी का 108 बार नाम लें और यह नित्य चलना चाहिए। यदि यह घर में नित्य प्रयोग होता रहा तो पंचामृत से स्नान कराने वाली बात अगर रोज हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली, दशहरा या होली या नवरात्रि के दिनों में या ऐसे मुहूर्त पर आप जरूर स्नान कराएं पंचामृत से। और चावल जो पीला करके रखा हुआ कटोरी में, उसे प्रत्येक पूर्णिमा को आप बदल दें या प्रत्येक त्यौहार को बदल दें। इस तरह के प्रयोग से आपके घर में लगातार धन की आवक बनी रहेगी तथा किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना आवश्यक है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए
वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा किसी भी प्रकार की समस्याएं जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, ताकि मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।